आप सभी का भी स्वागत है। और दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले जीनी रशीदों से आपने एक मामला देखा था, जो 50 लाख की जो दुकान है और 9,66,000 में है, ये दुकान है बेची जाती है। लगभग ये दुकान है 60 गज ये दुकान है। और फिलहाल आप देख सकते हैं, जिनकी 14 तारीख को भी हाई कोर्ट में उनको बुलाया गया था। और क्या कुछ वहाँ पर रहा है, क्या कुछ मामला रहा है, उसी पर हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ है, देख सकते हैं, ये वो दुखिया परिवार है जो दोबारा से है, वो हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं जी। अभी आपकी 14 तारीख को जो हाई कोर्ट में आपको बुलाया गया था, क्या कुछ फैसला रहा वहाँ पर? उसमें हमें कोर्ट से स्टे मिल गई है जी। अभी 17 तारीख की सुनवाई है, 17 अक्टूबर की, 2 महीने का टाइम मिला है। उसके बाद अभी कोर्ट ही डिसाइड करेगा सर, जज के ऊपर डिपेंड है वो क्या डिसीजन लेते हैं। वहाँ पे हमने सारे अपने डॉक्यूमेंट भेज रखे हैं लीगल, जो हमने बैंक को पे कर रखे थे पैसे सारे, तो अब तो कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड है सर। हमें तो जज के ऊपर भरोसा है, क्योंकि वो हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि वो गलत नहीं करेंगे किसी के साथ भी। और ये भी विश्वास है कि दुकान हमारी थी, हमारी है और कल भी हमारी रहेगी, और हमें वापस जरूर मिलेगी हमारी दुकान। यानी कि कुल मिला के आपको कानून पर पूरा विश्वास? पूरा विश्वास है जी कानून पर। और अगर कानून से हार गए ना, फिर तो मुझे नहीं लगता कि पूरा किसी को भी कोई भरोसा होगा कानून के ऊपर, क्योंकि सच्चाई को अगर कानून से अगर सच्चाई हार जाएगी ना, कोई केस लड़ने नहीं जाएगा कोर्ट में जी। तो हमने तो बस जज के ऊपर पूरा भरोसा है। तो माननीय जज से मैं यही कहूँगी सर, सोच समझ कर, मतलब पूरे दोनों केसों की जांच पड़ताल करके अच्छे से फैसला लेना, एक गरीब आदमी की तरफ जरूर देख लेना जी। जी देखिए, कुछ जो नए दर्शक है इस मामले को देख पा रहे हैं, आप इस मामले को है शुरू से लेकर लास्ट तक बताइए, मामला है क्या? मामला ये था जी, लोन ले रखा था हमने, लोन लिया था 2015 में, 2019 तक हमने भरा है। कोरोना आने के बाद 2 साल हमने नहीं भरा, वो शायद किसी ने भी ना भरा हो, सभी का माफ हुआ होगा। तो 2022-23 में हमने शुरू करे हैं पैसे भरने, कभी 30, कभी 40, कभी 50, तो इस साल भी हमने भरे थे 2023 में भी, 2 दिन बार भर दिए, मतलब एक एक महीने का गैप दे के लगा लो, या फिर हर मंथ रेगुलर भी भरे हमने 10-10,000 रुपये। लेकिन 4th महीने उसने भाई से बोला कि सारे पैसे भरो जी, तो भाई बोला भी सारे एकदम कहाँ से, जब 10-10,000 की बात हो रही है। मैं जब बैंक में गया था स्टेटमेंट निकलवाने, तो ये बोला कि तेरी दुकान है तो मैं ही खरीदूंगा, सर पर जो बना वो कर लिया। ये बात किसने कही थी? ये बैंक वालों ने, जो भी तरह अलग से कर्मचारी है। फिर मैंने उनसे कहा कि कस्टमर से बिहेव कैसे किया जाता है, मैं तुम्हें ये नहीं पता, मगर पोस्ट ऑफिस में मैं भी लग रहा हूँ उस टाइम, पोस्ट ऑफिस में जाया करता मैं। तो इन्होंने मिसबिहेव करा, फिर जो मैंने इधर है ना वैसे नहीं सब, कोई बात नहीं। उन्होंने 2-3 बार भी कहा मेरे से, मैं दुकान तो हम ही खरीदेंगे, अरे मैं भी बेचेंगे। जब ये दुकान बेची गई थी, क्या आप सभी से पूछा गया था, आपके परिवार वाले? हमें पता ही नहीं जी, जिस दिन लास्ट दिन था मेरे पापा पैसे भरने गए थे, हमने कोई पता नहीं कि कब दुकान बेची है, कब ना बेची है, हमने कोई नोटिस नहीं मारे ना। नहीं तो मार गया था, बेची गई। तो लगभग कितने रुपए की दुकान है ये? दुकान मेरी 50-60 लाख रुपए की कम से कम है इस टाइम में। और बेचा कितने रुपए में? इसको बेचा 9,86 में बेची गई, 9,66,000 में। तो आपको पता कैसे लगता आपकी दुकान बेची गई? मैं पैसे भरने गया था 4 बजे, मैनेजर ने बोला तेरी दुकान तो बिक गई, और बेची है रात में 11 बजे ऑनलाइन। मैंने बोला ऑनलाइन बेच दिया हमने 4 बजे, मैं कैसे बेच दी 4 बजे, और पैसे भरवा दी मैं भरने लग जाऊँ भाई, पता 4 बजे 5 बजे तक का टाइम है मैं पैसे भरने का, लेकिन नहीं मैं नहीं कुछ भी कर सकता, मेरे हाथ में पहुँच गया कुछ जी। जी मैनेजर ने ये ऐसा तो नहीं हुआ कि जो पैसे आपने लेट से तो भरे उसी आप दुकान को बेच दिया हो? ये तो मैं कहना था 19 लाख मैंने सही भरा के पैसे, कभी 20,000 भी भरे, 40,000 भी, 25,000 भी, 15,000 भी। 2021 में 2 साल में कोरोना की वजह से नहीं भर सका, 22 में फिर मैंने भरे हैं 10,000 रुपये भी नहीं भरने शुरू करे मैनेजर के कहने से, लेकिन 3 महीने भरे मैंने, 4th महीने में उन्हें बदसलूकी की गई कहीं मारे गला, तो अब मैंने फिर बंद कर दिए। 2 महीने पीछे फिर मैंने 2 जून 23 में 30,000 रुपये पेपर खाया हूँ मैं, और 2 जून ने पैसे भरे, और 13 जुलाई ने दुकान बेची, और 5 अगस्त को ना, 5 अगस्त को 7 अगस्त को ही नई दुकान में नोटिस चेक किया गया कब्जा लेने का, और 11 अगस्त को इन्हें कब्जा लिया,
उसे दिन रजिस्ट्री करवाई और उसे दिन कब्जा लिया, उसे दिन दुकान सील करी गई। एक ही दिन में सारे काम करवाए गए, ये मतलब मिली भगत थी जब एक दिन में आया काम। जी जी, जो जब आप बैंक में जाते हैं तो आपके साथ बदसलूकी की जाती है, मेरे से जो बोले जा कुछ नहीं है बैंक में तेरा, अब जा हमने तो पेश की मेरे हाथ को खुल गया, मेरे से सब ने ये बात कही जी, जो बोले चलो अपने घर जाओ। हाँ, बाहर निकाल दिया उन्होंने गार्ड ने वहाँ से धक्के मार के। इस दुकान पे ना बैंक वालों की बहुत टाइम से नज़र थी, क्योंकि उनको पता था भाई ये गरीब आदमी इस पे भरा नहीं जाएगा, और इस स्कैम के पीछे पूरी का पूरे पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिकल लोग हैं इसके पीछे जो एक गरीब इंसान को परेशान करते हुए हैं। इनको इनका एक ही सहारा था ये दुकान, अब इनको अब ये नहीं पता कि इनको पॉलिटिकल लोगों का भी हाथ है इसके पीछे। इसमें मैं इसलिए लग रहा है क्योंकि एक दिन में इतने काम नहीं होते, रजिस्ट्री भी होगी, बोली भी होगी, कब्जा भी हो गया, क्योंकि सबको पता है इन चीज़ों में टाइम लगता है, बट ये जो पॉलिटिकल प्रेशर के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है। क्या फिर गरीबी का फायदा उठाया गया? हाँ ऑफ कोर्स, ये गरीबी का फायदा उठाया जा रहा है गरीब आदमी का। ये दुकान यहाँ सफेदों के पटवारी ने ली है, विजय कुमार शर्मा ने। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोबिन है। क्या फिर आपको क्या लगता है जो कानून पर आपको पूरा विश्वास है? हमें नगरपालिका पे पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। जैसे हम चंडीगढ़ के अंदर इसके केस को लेके गए थे, वहाँ से हमें कोर्ट की तरफ से राहत मिली है, 2 महीने तक हम इसके स्टे लिया हुआ है, और इसके बाद हम नेक्स्ट कार्रवाई करेंगे इसकी। 17 तारीख को सुनवाई होगी इसके बाद।